मदन निवासी दरोगा जाकिर हुसैन के घर में चोरी का खुलासा करते हुए दो शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से दरोगा के यहाँ से चुराए गए 4,50,000 रुपए कीमत के सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। बदमाशों का तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। पुलिस की सरगमी से तलाश कर रही है। ASP आदित्य लांगे ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में नासिब और कादरी निवासी अतौली थाना बनिया खेर जनपद संभाल को देर रात झांझरपुर अमृत राय के पास गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से घटना के प्रयोग में करने वाली मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस दौरान बदमाशों का तीसरा साथी उस्मान फरार होने में कामयाब हो गया है। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में दरोगा के घर चोरी की घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है और पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा किया गया है, क्या पूरा मामला था, क्या करेगा? इस पूरे प्रकरण में देखा गया है कि ये दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये संबंधित हैं दो मामलों से, एक दोनों चोरी के मामले हैं, सिविल लाइन थाने के मामले हैं। एक लिखा गया था 1044/19 और इनके वादी थे दिनेश चंद आर, इनके वादी थे जाकिर हुसैन और जो दूसरा प्रकरण था जिनके घर से चोरी हुई थी उनका नाम था दिनेश चंद आर्य। ये दोनों चोरियों में जो लगभग जो चोरी हुई थी वो 4 से 5 लाख की हुई थी और जो हम लोगों ने जो रिकवर किया है इसमें 4.5 लाख का तो जो माल है जिसमें ज्वेलरी वगैरह थी वो 4.5 लाख की ज्वेलरी रिकवर करी है, 15,000 का कैश रिकवर किया है, इसके अलावा एक बाइक और दो तमंचे। सर क्या कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इन दोनों जो अभियुक्त जो पकड़े गए हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं इनका आपराधिक इतिहास है। कुल जो अभी तक हमारे पास इतिहास आया है वो 4 मामलों का आया है। इसके अतिरिक्त इन दोनों का कबूलना है कि इनकी और भी जगह और भी कुछ चोरियां हैं वो आगे खुलासा होगा। सर मैं मुरादाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, इससे बाहर भी अंजाम दिया। इन्होंने पहले चोरियां अजमेर की तरफ से भी की हैं, इन्होंने यहाँ पर भी की हैं और यूपी में इसके अतिरिक्त और भी जिले हैं जहाँ पे यूपी में इन्होंने चोरी करना बताया है। सर क्या इनकी निशानदेही पे और भी कोई गिरफ्तारी वगैरह करी जाएगी? इस चोरी में ये लोग 3 थे, इसमें से 2 लोगों ने जो चोरी की थी वो पकड़े गए हैं। जो एक जो रेकी कर रहा था लड़का वो अभी तक वो हमें उसकी लोकेशन पता चली है। इसके बाद में हम लोग जल्दी से जल्द जो तीसरा है उस्मान उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लें।